गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज सरस्वती पूजा, हैप्पी सरस्वती पूजा। तो हर साल की तरह इस साल भी मैं बुआ के घर पर आई हूँ रेडी होने के लिए। उम्मीद से मैंने साड़ी वगैरह लिया, वैसे मेरा कैंसिल हो गया था, रो रो के हालत ख़राब। तो अभी फिर से थोड़ा मूड ठीक हुआ है, भाई बोल रहा है मुझे घुमाने ले जाए, इसलिए मैं रेडी होने के लिए आ गई बुआ के घर पर। तो मैंने देखिए ब्लॉग में फटाफट से रेडी होकर मिलते हैं, क्लास जाने के लिए बहुत लेट हो गया और मेरे सारे फ्रेंड लोग जा चुके हैं और सब मेरे से गुस्सा भी हो गया। क्या करूँ, छोड़ो, आप फटाफट रेडी हो जाती हूँ। तो वही उसने अपना मेकअप कर ली थी, मैंने थोड़ा सा ऑयली ऑयली मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह लगा लिया, बहुत ज़्यादा ड्राई है, स्किन से रेडी हो जाती है, फिर मिलते हैं। ओके, तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और अभी मैं जाऊँगी कंप्यूटर क्लास। बस कंप्यूटर क्लास से घर। तो छोटे मेरे साथ में जा रहे हैं, छोटे ने मुझे बोला तभी मैं जा रही हूँ, वरना मैं नहीं जाती, ऐसे भी मेरा कैंसिल हो गया था। मेरे कोई भी फ्रेंड्स मेरे साथ में अलग अलग हो गया, कुछ गए हैं कुछ नहीं गए हैं। ट्रेन आने का वेट हो रहा है, उधर जाता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। भीड़ देखिए इतना ज़्यादा है, मैं अभी जब पहुँच गई उधर से आगे जा नहीं सकती, यहीं पे ट्रैफिक जाम हो गया। भीड़ बहुत ज़्यादा है, हमें लगा था कि इतना ज़्यादा भीड़ नहीं होगा, बट अभी धीरे धीरे भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। और मेरे फ्रेंड एक भी मेरे साथ नहीं है, भाई हो गए तो वो लोग आगे जा रहे हैं। तो चलिए क्लास चलते हैं, अब लास्ट तो बने रहिए, ब्यूटीफुल गर्ल्स दिखाती हूँ आपको। चलिए गाइस, आज वैलेंटाइन डे भी है और सरस्वती पूजा भी और ब्लैकआउट डे भी है, आज तीनों एक साथ है। तो अभी हम लोग क्लास जा रहे हैं, भीड़ तो काफ़ी है, क्लास ही जाएंगे। पता चलेगा कि मैं क्लास आई हूँ, मतलब मैं घूमने आई हूँ। अभी उन लोगों का कमेंट पे जो गाली आने वाला है मुझे पता है, और नहीं दे तो अच्छा है। नेहा को तो पता ही नहीं कि मैं आ रही हूँ, उसको कॉल करके भी नहीं बताया। बस अपना ब्लॉग बनाने के लिए आई हूँ गाइस, बट घर से मैं आने वाली नहीं थी, कैंसिल हो गया था मेरा, बट फिर सडनली प्लानिंग हो गया मेरा आने के लिए। नेहा को पता नहीं कि मैं आई हूँ, मैं ब्लॉग देने के लिए, पता चलेगा नेहा, सॉरी। हाँ, मैं क्या बोली थी, मैं दीदी मिल गई थी जब उनसे बात करने लगी, तो नेहा को बोली थी सॉरी, मेरा कोई प्लानिंग नहीं था आने के लिए। और अभी मैं यहाँ पे ढूंढ को भी, क्योंकि इतने दिन से क्या मैं यहाँ घूम रही है, मैं यहाँ पे अकेले अकेले ढूंढ रही हूँ। कोई बात नहीं, खासकर मैं अपना ब्लॉग बनाने के लिए आई हूँ, वैसे इतना कोई ब्लॉग नहीं था, मैं नहीं आती, बट फिर ये साल चला जा रहा है। मैं क्लास पहुँची सेंटर चलिए अंदर चलते हैं, खुला है गाइस, मुझे लगा था कि जल्दी से बंद हो जाएगा, बट खुला है। तो हम जा रहे हैं अपने सेंटर के अंदर, तो वैसे चलिए चलते हैं ऊपर अपने कंप्यूटर सेंटर में। बहुत दिन के बाद आज आई हूँ, वैसे तो आना कैंसिल हो गया था, बट फाइनली मैं पहुँच गई हूँ। अब चलते हैं ऊपर। तो गाइस प्रसाद खा लेते हैं हम। सर सर और बाकी सर लोग बाकी सब घूमने गए। अच्छा, घूमने गए सब। अच्छा।
और ये जितना भी ट्रॉफी वगैरह मिला ये इनको मिला, और हमें हमारे सर को बेस्ट ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला था, ये सारा ट्रॉफी उसी की तरफ से है। तो सर बताइए आप। ये सारा हमें तो स्टूडेंट्स के प्यार है और टीचर के प्यार से जिसके लिए हमें बेस्ट ऑफ इंडिया का अवार्ड आज मिला है। तो गाइस हमने प्रसाद वगैरह खा लिया और अब हम लोग जाएंगे घर, यहाँ से घर, क्योंकि कॉलेज तो जाऊंगी नहीं, मेरे कोई भी फ्रेंड मेरे साथ है नहीं, इसलिए तो हम लोग जा रहे हैं जाने के लिए। तो गाइस ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हम जा रहे हैं घर, बाय बाय।